हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि हमारे कंप्लीट रिवीजन सीरीज का पॉलिटिकल साइंस UGC पेपर सेकंड का 3rd यूनिट होगी। और इसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और जो थिंकर्स हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा धर्मशास्त्र के बारे में समझ लेते हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या है? मनुस्मृति, ये काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जिस पर हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट की व्याख्या की गई है। ओके, शांति पर और टोटल 12 चैप्टर इन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर। चलिए समझ लेते हैं। धर्मशास्त्र इज अ जनर ऑफ संस्कृत थियोलॉजिकल टेक्स्ट एंड रेफर टू द ट्रीटाइजेज ऑफ अर्ली हिंदुइज्म ऑन धर्म। तो धर्मशास्त्र संस्कृत थियोलॉजिकल टेक्स्ट का एक अंग है और ये काइंड ऑफ एसोसिएटेड है जो अर्ली हिंदुइज्म है उसकी जो ट्रिटाइजेस थी धर्म के ऊपर, ये उससे एसोसिएटेड है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र का पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ 2685 वर्सेस। तो ये 2685 वर्सेस से मिलकर बना है। कौन? मनुस्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर 12 चैप्टर्स इन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। मनु द ऑथर ऑफ मनुस्मृति इज द फर्स्ट टीचर, फर्स्ट किंग एंड फर्स्ट लॉ गिवर। तो मनु जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा उन्हें फर्स्ट टीचर, फर्स्ट किंग या फर्स्ट लॉ गिवर हिंदुज्म में कहा जाता है। मनु इज रिगार्डेड एज माइथोलॉजिकल एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन रेस। तो वो जो हमारी अभी की ह्यूमन रेस है उसके माइथोलॉजिकल पौराणिक एंसेस्टर माने जाते हैं और ये काइंड ऑफ इंडियन वर्जन ऑफ एडम, जो एडम थे वो उसके इंडियन वर्जन है। एडम कौन थे? एडम गॉड के काइंड ऑफ सन थे जिन्हें किंग अपॉइंट किया गया था। तो ये मनु को उस सेंस में इंडियन एडम कहा जा सकता है। और मनु जो है तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र थे। सर विलियम जोन्स वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट इन टू इंग्लिश। तो सर विलियम जोन्स ने जो मनुस्मृति का टेक्स्ट है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एक रशियन स्कॉलर है जे डंकन यम डेरेट कॉल द बुक इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिस प्रूडेंस। तो जो जोनाथन जंकन है वो क्या बोलते हैं, जो मनुस्मृति की बुक है वो जो ज्यूरिस प्रूडेंस होता है, मनुस्मृति न्याय शास्त्र के फील्ड में भारत की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। चलिए, तो मनुस्मृति में जो चार गोल्स दिए हैं लाइफ के, इन्हें पुरुषार्थ भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है धर्म। धर्म ये मॉरल ड्यूटीज होती हैं। अर्थ यानी वेल्थ, काम यानी डिजायर और सेटिस्फेक्शन, और मोक्ष अल्टीमेटली टोटल लिबरेशन लिबरेशन और सालवेशन। तो जो एक ह्यूमन लाइफ है उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और अल्टीमेटली मोक्ष। चार जो सोशल क्लासेस हैं जिनको वर्णा कहा जाता है वो कौन कौन सी हैं? तो पहले हैं प्रीस्ट जो कि ब्राह्मण्स होते हैं, फिर वॉरियर्स क्षत्रियाज,
कॉमनर्स यूएस से होते हैं ये, एंड ऑफ ट्रेडर क्लास होती है, सर्वेंट ये शूद्रास होते हैं। फोर स्टेजेज ऑफ लाइफ क्या क्या है? पहला है ब्रह्मचर्य जो कि बर्थ से 25 साल तक होती है। गृहस्थ तो ये 25 से 50 साल के बीच गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति रहता है। तीसरा है वानप्रस्थ, तो 50 से 75 साल के बीच में एक व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। इसमें यह सत्य की खोज में जंगल में निकल जाता है। और संन्यास तो 75 और 80 100 के बीच में व्यक्ति संन्यास ले लेता है। तो संसारिक जो मोह माया है, संसारिक जो जीवन है, उससे वह पूरी तरह से एंड ऑफ रिटायरमेंट ले लेता है और सत्य की खोज में या अपने आप को मोक्ष की खोज में वो निकल पड़ता है। देयर आर 16 रिचुअल्स टू बी फॉलोड बाई हिंदूज, तो एक हिंदू के द्वारा 16 प्रकार के संस्कारों को परफॉर्म किया जाना चाहिए या कि फॉलो किया जाना चाहिए, जिन्हें संस्कार कहा जाता है, जो कि गर्भधान से स्टार्ट होके अंत्येष्टि यानी काइंड ऑफ डेथ संस्कार जो होता है, मृत्यु संस्कार, वो वहाँ तक होता है। टोटल 16 संस्कार हैं। धर्म के 5 सोर्स कौन कौन से हैं? तो पहला तो वेद वेद है, दूसरा स्मृति है। स्मृति मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे इनको काइंड ऑफ मेमोरी के माध्यम से याद रखा जाता है, मेमोरी में उसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी धर्म का सोर्स है। सज्जनों के आचरण, तो बिहेवियर ऑफ जेंटलमैन, तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो है ना अच्छे लोग होते हैं, राइटियस पर्सन होते हैं, उनके जो आचरण हैं ऋषि महात्मा, उनके आचरण भी है धर्म का सोर्स है। अंता मतलब कारण, कोई चीज़ का क्या कारण। राजाज्ञा, तो जो किंग का ऑर्डर होता है वो भी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ धर्म है। द सेवन चैप्टर ऑफ मनुस्मृति ड्वेल्स एट लेंथ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ राजधर्म और स्टेट का। तो जो मनुस्मृति का 7वां चैप्टर है, 7th चैप्टर है, वो राजधर्म या इसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं से मतलब बहुत ही गहराई से डील करता है और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को बताने का प्रयास करता है। मनु वाज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो मनु थे वो राज्य के उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत की वकालत करते हैं। तो डिवाइन राइट थ्योरी की बात करते हैं और यूरोप में डिवाइन राइट थ्योरी मिडिवल टाइम में प्रचलित थी। चलिए तो कौटिल्या को पढ़ते हैं। तो कौटिल्या को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो बहुत ही फेमस बुक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। उन्हें इंडियन मैकियावेली कहा जाता है। अब आप देख लीजिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकिंग का इतना प्रभाव है ना, वेस्टर्न डोमिनेशन इतना है कि मैकियावेली कब हुए थे? ये काइंड ऑफ 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए थे। तो कौटिल्य को कहना चाहिए इंडियन काइंड ऑफ जो मैकियावेली है उसको कौटिल्य कहना चाहिए, लेकिन कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली कहा जाता है। एक फैक्ट है, इसको जाने रहिए। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि कौटिल्यास अर्थशास्त्र एग्जिम्प्लीफाइड रेडिकल मैकियावेलिज्म कंपेयर टू इट मैकियावेलीज प्रिंस इज हार्मलेस। तो मैक्स वेबर अपनी बुक पॉलिटिक्स एजुकेशन में क्या बताते हैं कि जो अगर किसी को, कोई भी व्यक्ति है जिसे इससे स्टेट क्राफ्ट सीखना है, स्टेट क्राफ्ट सीखना है, तो उसे मैकियावेली से नहीं बल्कि कौटिल्य से सीखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि कौटिल्य अपने जो काइंड ऑफ उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट है, वो हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार के, है ना, स्टेट को किस प्रकार के काइंड ऑफ टूल्स और टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, साम दाम दंड भेद की बात करते हैं, पूरी तरह से एक्सप्लिसिट बता एक्सप्लिस है ना एक्सप्लिसिट तरीके से बताते हैं, स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि एक जो किंग होता है उसको किस प्रकार से अपनी पावर को, स्टेट क्राफ्ट को चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैकियावेली थे वो अनफॉर्चुनेट थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अपने जो आइडल जो प्रिंस की बात करते हैं उन्हें कभी नहीं काइंड ऑफ देख पाए, लेकिन जो कौटिल्य हैं वो अपने आइडियाज को चंद्रगुप्त के माध्यम से सफल होता देखते हैं और वो चंद्रगुप्त में अपना आइडल प्रिंस पा जाते हैं। तो जो कौटिल्यास अर्थशास्त्र एग्जेम्प्लीफाइड रेडिकल मैकेलिज्म, तो ये जो रेडिकल मैकेलिज्म है उसको काइंड ऑफ एग्जेम्प्लीफाई करता है और विस्तारित करता है। और मैकियावेली, और इस सेंस में अगर देखा जाए तो मैकियावेली का जो प्रिंस है वो हार्मलेस प्रतीत होता है। इस प्रकार कौटिल्य बात करते हैं। कौटिल्य का एक फेमस स्टेटमेंट है कि इंटर स्टेट रिलेशंस आर लाइक दैट ऑफ जंगल वेयर स्ट्रेंथ ऑफ द लायन प्रिवेल्स। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो इंटर स्टेट रिलेशन है काइंड ऑफ जंगल है, एक उसकी तुलना कौटिल्य जंगल से करता है इंटर स्टेट रिलेशन की, जहाँ पर जो लायन होता है उसकी स्ट्रेंथ प्रिवेल करती है, यानी लायन को जो करेज और स्ट्रेंथ का प्रतीक है वो काइंड ऑफ प्रिवेल करेगा। तो मैकियावेली रियलिस्ट हैं, वो व्हाट इज की बात करते हैं, व्हाट आर टू की नहीं, क्या होना चाहिए उससे उनके मतलब नहीं है, क्या है उससे उनको ज्यादा मतलब था। मंडला सिद्धांत देते हैं, तो उसमें वो वेरियस प्रकार के काइंड ऑफ बताते हैं किस प्रकार से एक राज्य है जो किस प्रकार से अलग अलग राज्यों से घिरा होता है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सप्तांग, इसमें सात काइंड ऑफ स्टेट के जो सेवन एलिमेंट हैं उनको बताते हैं कौटिल्य। स्पाई और स्पेनेज की वो बात करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि काइंड ऑफ जो कौटिल्य थे, कौटिल्य वो 20 कन्याएं रखते थे। 20 कन्याएं, तो 20 कन्याएं कौन होती थी, जो ना जो लड़कियां मतलब होती थी जो बचपन में ही देखने में बहुत मतलब आकर्षक होती थी, तो कौटिल्य क्या किया करते थे कि उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देते रहते थे। एक समय ऐसा आता था कि वो जिसको भी काट देती थी तो वो मर जाता था, और कन्याओं के माध्यम से भी वो काइंड ऑफ स्पाई का काम करवाते थे, स्पायनेज करवाते थे। तो ये फ्लेक्सिबल रूल की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक रूलर को काइंड ऑफ डिसीजन लेने चाहिए। बेलोवेलेंट किंग की बात करते हैं, जहाँ पर किंग जनता के इंटरेस्ट में रूल करेगा, उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो कौटिल्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, तो उसकी प्रजा के खुशी में ही किंग की खुशी, ऐसा कौटिल्य का मानना था। जस्ट किंग के बारे में बात करते हैं। धर्म, दंड, चार जो फोर फोल्ड पॉलिसी थी वो इसका पार्ट है।
फोर कॉन्सेप्ट ऑफ 40 टाइप्स ऑफ करप्शन, तो 40 प्रकार के करप्शन की बात करते हैं। फार्मूला क्या था? किंग माइनस सब्जेक्ट, मैंने किंग, इस प्रकार किंग और सब्जेक्ट जैसे हो गए, मैंने किंग हो गया और सब्जेक्ट हो गए, तो किंग को फादर से रिलेट किया जा सकता है, सब्जेक्ट को चिल्ड्रन से, तो सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र इज ऑल्सो अ नीति शास्त्र टेक्स्ट, तो ये काइंड ऑफ नीति शास्त्र टेक्स्ट है। कौन? अर्थशास्त्र। तो श्यामा शास्त्री हैज डिस्कवर्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ पंडित इन 1904, ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश फर्स्ट एंड पब्लिश्ड इट इन 1915। तो श्यामा शास्त्री थे, उन्होंने ये जो टेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसे एक पंडित से काइंड ऑफ 1904 में रिकवर किया था, और उसे 1915 में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया था। देयर वर टू काइंड्स ऑफ ब्राह्मण्स, तो और प्रीस्टली क्लास, क्षत्रिय एंड द ब्राह्मिन्स इन जनरल, तो ब्राह्मिन्स या प्रिस्ट के दो प्रकार होते थे, कौन कौन से? क्षत्रिय या ब्राह्मिन्स इन जनरल, तो ब्राह्मिन्स इन जनरल होते थे और क्षत्रिय हुआ करते थे, काइंड ऑफ स्पेशल फॉर्म है ब्राह्मणिज्म का, स्पेशल टाइप के ब्राह्मण। ही वॉज अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एनार्की, तो एनार्की की पॉसिबिलिटी से, संभावना से अवगत थे, हेंस ही रिकमेंडेड अ स्ट्रांग स्टेट रूल्ड बाई वर्चुअस मोनार्क, तो उन्होंने एक स्ट्रांग स्टेट को रिकमेंड किया, इसको सजेस्ट किया, जो कि रूल होगा किसके माध्यम से रूल होगा, एक वर्चुअस किंग, तो किंग वर्चुअस होना चाहिए, किंग जस्ट होना चाहिए, किंग को लोगों के हित में राज करना चाहिए, अपने हित में नहीं। देर इज ए मेंशन ऑफ ओवर 120 ऑक्यूपेशन, तो 120 ऑक्यूपेशन या जॉब्स के बारे में बताया गया है, एंड 40 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के ऑक्यूपेशन काम धंधों का चर्चा किया गया। मल्टीपल सोर्स ऑफ रिवेन्यू आर इंडिकेटेड इन द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में जो रिवेन्यू के बहुत सारे सोर्स की बात की गई है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दुर्गम, तो 45 जो टाउन होते हैं वहां से आपको आएगा रेवेन्यू, फिर फ्रॉम द राष्ट्रम, तो कंट्री साइड से जो रेवेन्यू आएगा, फ्रॉम द खानी यानी माइन से, सेतु यानी इरिगेशन वर्क से जो रेवेन्यू आएगा, फ्रॉम आयामुखम माने अकाउंटिंग से, और फ्रॉम वेयर हाउसेस, सेविंग फ्रॉम एक्सपेंडिचर, फ्रॉम अयोध्या सप्लाई ऑफ सोल्जर इन द लिव ऑफ टेक्स्ट बार्टर कन्फिस्केशन, तो अयोध्या से भी आएगा। ये क्या है? सप्लाई ऑफ सोल्जर्स है टेक्स्ट, टैक्स बार्टर के बदले, कन्फिस्केशन यानी जो तो चीजें कब्जा कर ली जाएंगी जिन पर, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आप गए, कोई चीज किसी स्टेट पर हमला किया, उसके जो रिसोर्स हैं उसको सीजर करेंगे, तो वो भी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू होगा। एज द सप्तांग सेवन ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट सजेस्ट, स्टेट वाजा कारपोरेट एंटिटी, तो जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, क्या कहता है कि स्टेट एक कारपोरेट एंटिटी है जो कि 7 अंगों से मिलकर बना है, कौन कौन से? स्वामी, तो एक किंग होगा, फिर बहुत सारे इसके पार्ट होंगे, तो अमात्य होगा, ये काइंड ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जनपद एक दुर्ग, दुर्ग फोर्ट की बात करते हैं, कोटल, कोषा यानी ट्रेजरी, तो ट्रेजरी भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, दंड, दंड मीन्स पनिशमेंट, पनिशमेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है स्टेट का, और मित्र, तो मित्र इनका कोई विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है मित्र का, ये काइंड ऑफ अगर आपके पास ज़्यादा मित्र हैं तो इसका मतलब है कि आप काइंड ऑफ ज़्यादा आपकी धाक है, ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है। इट मेंशंस 34 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो कौटिल्य जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें
34 अलग 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 प्रकार के डिपार्टमेंट्स की व्याख्या की गई है। थ्योरी ऑफ राजमंडला, मंडल सिद्धांत है, इसे सर्कल ऑफ स्टेट बोलते हैं। कौटिल्य फॉर्मुलेटेड अ डिटेल्ड थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशन बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट अ फ्रेंड्स फ्रेंड इज लाइकली टू बी अ फ्रेंड एंड एन एनिमीज एनिमी, एनिमीज फ्रेंड एंड एनिमी। तो जो राजमंडल थ्योरी थी, जिसको मंडल सिद्धांत भी कहते हैं, सरकार ऑफ स्टेट, तो इसके माध्यम से कौटिल्य एक कंप्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करते हैं और वो इंटर स्टेट रिलेशंस को एक मैक्सिम, एक युक्ति के आधार पर डिफाइन करते हैं कि नेबर्स, नेबर क्या बोलता है कि नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज एंड नेबर्स नेबर नेबर्स नेबर आर नेचुरल फ्रेंड। तो फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया तो नेबर्स 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 आर नेचुरल एनिमी, तो चाइना नेचुरल एनिमी हो जाएगा और पाकिस्तान भी इस केस में नेचुरल एनमी हो जाएगा। लेकिन नेबर्स नेबर नेबर्स नेबर कौन है? अफगानिस्तान। यहाँ पर आप ताइवान, सॉरी ताइवान और चाइना के बहुत सारे जो मतलब नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम, ये सब आपके नेचुरल फ्रेंड होंगे। तो यही इसमें बताया गया है। और मंडला, द मंडला एज कंप्राइजिंग 12 टाइप्स ऑफ किंग और स्टेट, तो मंडला 12 प्रकार के किंग्स और स्टेट से मिलकर बनता है। 72 प्रॉपर्टीज ऑफ मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट आर इनमरेटेड बाई कौटिल्य, तो जो 72 प्रॉपर्टीज हैं, काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ सॉवरेंटी हैं, वो मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट में कौटिल्य के द्वारा बताई गई। कौटिल्य हैज लेड डाउन 6 प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो कौटिल्य ने षड्गुण सिद्धांत, छह बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं फॉरेन पॉलिसी के। तो इस प्रकार है वो, परसूट ऑफ रिसोर्सेस बाय द बिजगुसी फॉर कैंपेन ऑफ विक्ट्री, तो आप रिसोर्सेस को एक्वायर करिए, है ना, इसके माध्यम से विक्ट्री के, है ना, विजय का रथ आप आगे बढ़ा सके। एनिमीज को एलिमिनेट करिए, कल्टीवेशन ऑफ अलायंसेस और प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम, तो अलायंस का गठन करिए और कंस्टेंटली उनको हेल्प प्रोवाइड करते रहिए। प्रूडेंस रेदर देन फूल हार्डी वेलर, तो आपके पास प्रूडेंस होनी चाहिए, आपके पास काइंड ऑफ एक मॉडरेट रीजन होना चाहिए, आप फूल हार्डी वेलर मत दिखाइए ना कि आप जाए गए और बिना सोचे समझे एनमी से लड़ पड़े, देखा भी नहीं कि उसके हमारी ताकत में क्या अंतर। तो काइंड ऑफ एक प्रूडेंट, बुद्धिमानी से आप काम करिए। और अगर आपका फ्रेंड फॉर एग्जांपल चाइना है, तो आप चाइना को सीधे जाके भी मार सकते हैं, ये काइंड ऑफ यह आपका बेवकूफ़ी होगा, है ना, फूल हार्डीनेस होगा। आपको पाकिस्तान को तो जाके आप एक बार मार सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चाइना को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि तो चाइना भारत से बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली और मिलिट्री भी बड़ा देश है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने की बात करते हैं। कौन? कौटिल्य। प्रेफरेंस ऑफ पीस टू वार, तो आपको पीस पर ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए वार की अपेक्षा। जस्टिस इन विक्ट्री एज वेल एज इन डिफीट, तो जो कौटिल्य हैं वो जस्टिस की बात करते हैं, चाहे आप जीतें या हारें लेकिन इनजस्टिस ना हो। मतलब अब जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को, किसी देश को, किसी राज्य को कैप्चर कर ली, तो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको भी अच्छे स्ट्रीट करिए, वह ना हो कि आप जाए लूट मार करें, लूटपाट करें, है ना। तो उस चीज़ को कौटिल्य गलत बोलते हैं। चलिए अगनुसूत्या के बारे में जानते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ है, जो कौटिल्य ने करप्शन पर बहुत ही डिटेल्ड काम किया है और बहुत ही डिटेल्स तरीके से
काइंड ऑफ इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो कौटिल्य का मानना था कि यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, एक मछली है पानी में, तो वो कब पानी पी लेगी आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर आपके काइंड ऑफ मुंह में शक्कर है तो आप कब उसको टेस्ट कर लेंगे पता नहीं चलेगा। इस प्रकार कौटिल्य बोलते हैं कि एक उड़ते हुए पंछी के ना पर पता चल सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल्स का आप करप्शन कर देते हैं ये पता नहीं चल सकता। इसलिए किंग को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर काइंड ऑफ स्पाई होने चाहिए और करप्शन को किसी भी हाल पे चेक किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर करप्शन नहीं होगा तो क्योस आ जाएगा और काइंड ऑफ स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए करप्शन को रोका जाना चाहिए। चलिए, अगनुसुत्ता के बारे में जानते हैं। तो ये अगनुसुत्ता क्या है? अगनुसुत्ता इज 17th सुत्ता ऑफ दिग निकाय लॉन्ग डिस्कोर्सेस। तो अगनुसुत्ता है वो दिग निकाय का 27वां सूक्त है। ओके, दिग निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स ऑफ मोस्टली ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ। तो दिग निकाय क्या है? ये बुद्धा के जो डायलॉग्स हैं उनका कलेक्शन है। देयर आर 180 डायलॉग, तो 180 डायलॉग्स हैं। दिग निकाय इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पीठिका। तो दिग निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिटाका का पार्ट। अगनसुत्ता चैलेंजेस वैदिक आइडियाज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन वर्ण आश्रम धर्म। तो जो अगनसुत्ता है, जो वैदिक आइडियाज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम आश्रम सिस्टम, जो आश्रम में वो जो चार आश्रम की बात करते हैं और धर्म की जो बात करते हैं वैदिक आइडियाज जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उसको काइंड ऑफ ये चैलेंज करता है अगनसुत्ता। अगनसुत्ता क्लियरली एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सोशल ऑर्डर, इट्स स्ट्रक्चर एंड कास्ट सिस्टम। तो अगनसुत्ता जो पृथ्वी पर लाइफ का किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। सोशल ऑर्डर को बताते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है उसको भी बताते हैं, और कास्ट सिस्टम के ऊपर भी अच्छे से फोकस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सुत्ता डिस्क्राइब अ डिस्कोर्स इम्पार्टेड फ्रॉम द बुद्धा टू ब्राह्मिन्स भरद्वाज एंड वसे था हु लेफ्ट देयर फैमिली एंड कास्ट टू बिकम मॉन्क। तो सुत्ता जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्कोर्स, काइंड ऑफ डायलॉग, जो दो ब्राह्मणों के बीच, भरद्वाज और वसेथा के बीच होता है, जिन्होंने अपनी फैमिली और कास्ट को छोड़ दिया है, किस लिए? मॉन्क बनने के लिए। तो ये काइंड ऑफ डिस्कोर्स है जो बुद्धा के द्वारा इम्पार्ट किया जाता है दो ब्राह्मण्स को, दो ब्राह्मण भरद्वाज और वशिष्ठा पर, जो अपनी फैमिली और कास्ट को छोड़ चुके हैं मॉन्क बनने के लिए। कीवर्ड्स क्या हैं? दिग्नि का 17 सुत्ता, तो जो काइंड ऑफ आगन सुत्ता था वो दिग्नि का 17th सूक्त था। टू ब्राह्मिन्स भरद्वाज और वशिष्ठा, ओरिजिन ऑफ स्टेट नो कास्ट सिस्टम। तो जो अगनसुत्ता है वो कास्ट सिस्टम, नो कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, और एस्थेटिक्स, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? पीपल अपॉइंटेड समवन टू रेक्टिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो पीपल ने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जो सही और गलत में अंतर बता सके। पीपल बेस्टोड हिम द टाइटल महासमंता, महासमत्ता, पीपल्स चॉइस। तो पीपल ने उसको क्या टाइटल दिया? महासमत्ता, मतलब पीपल के द्वारा ये चुना गया है। एंड सेकंड टाइटल खट्टिया,
मतलब लॉर्ड ऑफ द राइस फील्ड, तो ये टेक्निकल वर्ड है, खटिया मतलब लॉर्ड ऑफ राइस फील्ड, तो जो राइस फील्ड होते हैं, जो धान के फील्ड होते हैं, उनका स्वामी। अंडर राजा, राजा हु ग्लैडेंस पीपल विथ धम्मा, और तो जो लोगों को धम्म यानी धर्म और ट्रुथ के बारे में बताता है। टू टाइप्स ऑफ ब्राह्मण्स हैं, तो कौन कौन से? जयंतिया और जयाका, वो मेडिटेट्स इन फॉरेस्ट, तो जो जैन जैन जयंतिया हैं या जयका हैं, ये फॉरेस्ट में मेडिटेट करते हैं। और अजय का ये कौन है? ये हु कंपाइल्ड बुक, जो बुक को कंपाइल करते हैं। व्यूड हायर इन स्टेटस देन जयंतियास, तो इनको जयंतियास से जयाका से ज्यादा हायर स्टेटस में देखा जाता है। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? दिस इज द ओरिजिन ऑफ फिफ्थ कास्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द फोर कास्ट पीपल हु लिफ्ट देयर ले लाइफ एंड बिकम एस्थेटिक। तो ये काइंड ऑफ, इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये काइंड ऑफ, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फिफ्थ क्लास, ये फिफ्थ क्लास का काइंड ऑफ ओरिजिन को डिनोट करता है एस्थेटिक्स, जो कि कहे से बना है, जब चारों कास्ट के लोगों ने अपनी वे ऑफ लाइफ को छोड़ दिया और वो एस्थेटिक बन गए। तो ये चलिए बर्नी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, और ये है ना, इनका टाइम पीरियड क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के ज़माने में ये थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे राजाओं का इन्होंने काल देखा है। कीवर्ड्स क्या हैं? मुस्लिम किंग, तो ये मुस्लिम किंग की बात करते हैं। नॉन सेकुलर अप्रोच में हिंदू टैक्स जजिया, तो एक जजिया टैक्स होता था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, उसके इसमें बात है। दिल्ली सल्तनत, तारीख़ी फिरोजशाही इनकी बुक थी। फतवाए जहांदारी, इसमें काइंड ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे दिल्ली सल्तनत के, वो कोडिफाई किया गया था। जो आइडल स्टेट, जो कि आइडल है, वो प्लेटो से इंस्पायर्ड। हिज फतवाए जहांदारी रिटन एडवाइजेस फॉर द मुस्लिम किंग इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट, तो इनकी जो फतवाए जहांदारी थी वो काइंड ऑफ मुस्लिम जो किंग्स हैं उनको लिखी गई एक लिखित सजेशंस एंड एडवाइसेस हैं, जिसके माध्यम से एक किंग रिलीजियस मेरिट को और लोगों के ग्रेटिट्यूड को अर्न कर सकता है। अ क्लासिक वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट पर भी लिखी हुई एक क्लासिक वर्क है, जिसे अर्थशास्त्र या मैकियावेली के प्रिंस से कंपेयर किया जा सकता है। बर्नी कैटेगराइज्ड लॉ इनटू टू काइंड्स, तो बर्नी ने लॉ को दो प्रकार में विभाजित किया है, पहला शरीयत और दूसरा जवाबित। शरीयत क्या होता है? ये टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है, पैगंबर है, ये उनकी काइंड ऑफ टीचिंग और प्रैक्टिस है जो वो फॉलो करते थे। और जवाबित क्या है? द स्टेट लॉ फार्मुलेटेड इन द चेंज सर्कमस्टांसेस वेयर द शरीयत वॉज अनेबल टू फुलफिल, तो ये काइंड ऑफ ऐसे लॉज हैं जो बदलती सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, बदली सिचुएशंस को, परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए हैं। जो है ना, शरीयत क्या है? शरीयत ओरिजिनल लॉ है जो पैगंबर के टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन हर समय उनको फॉलो किया जाना संभव नहीं है, इसलिए जवाबित आया कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले रह गई थी शरीयत में उनको इंक्लूड करने के लिए। बर्नी मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल लाइफ ऑफ सुल्तान एंड हिज पोलिटिकल रोल, तो बर्नी ने भी जो एक सुल्तान की पर्सनल लाइफ है और जो पोलिटिकल रोल है उस पर
काइंड ऑफ अंतर किया है। ही एडवाइज द किंग टू फॉलो द शरीयत इन पर्सनल एंड पॉलिटिकल डोमेन। तो वो किंग को शरीयत को फॉलो करने की बात करते हैं पर्सनल और पॉलिटिकल डोमेन दोनों जगह। बट कंसीडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन नॉट फॉलोइंग द शरीयत इन प्राइवेट स्फीयर। तो काइंड ऑफ वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी अलाउ करते हैं इन केस स्टेट इन केस किंग या कि जो मोनार्क होगा सुल्तान होगा वो प्राइवेट अफेयर में शरीयत को ना भी फॉलो करे तो भी चल जाएगा। आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट। तो आर्मी को चार भागों में विभाजित किया गया था। इन्फेंट्री जिसे फोर्थ सोल्जर होते थे जो पैदल सेना होते थे पायक उनको कहा जाता था। कैवलरी जो हॉर्समैन होते थे घुड़सवारी। वार एलिफेंट जो एलिफेंट्स की एक सेना होती थी एलिफेंट की। एक्सिलरीज जो काइंड ऑफ हेल्पर हेल्पिंग काइंड ऑफ सैनिक हुआ करते थे फॉर एग्जाम्पल बोट्स स्पाइस स्पून है ना ये स्पाई। द ब्यूरोक्रेसी वाज अनदर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेट वर्किंग एट थ्री लेवल्स सेंटर प्रोविंस एंड विलेजेस। तो ब्यूरोक्रेसी जो सल्टनेट की वर्किंग थी उसका एक महत्वपूर्ण और नेसेसरी हिस्सा था जो कि तीन लेवल सेंटर प्रोविंस और विलेज लेवल पर काम किया करती थी। और इसका जो बेसिक फंक्शन था टू मेजर द लैंड फिक्स एंड कलेक्ट टैक्सेस। तो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका जो मेजर फंक्शन क्या था कि आप लैंड को मेजर करिए और टैक्स को फिक्स कर दीजिए लैंड को मेजर करके और उस हिसाब से कलेक्शन और फिर टैक्स का कलेक्शन स्टार्ट कर दीजिए। मेन वर्क कौन कौन से थे तो तारीख़ें फिरोज शाही है एक महत्वपूर्ण पुस्तक। फतवाए जहानदारी है। सलवाते कबीर है तो इसे ग्रेट प्रेयर ये। सनाए मोहम्मदी है तो ये प्रेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है प्रॉफिट मोहम्मद के है ना प्रशंसा में लिखी गई ये काइंड ऑफ वाक्य हैं पंक्तियां हैं। हसरतनामा ये बुक्स ऑफ रिग्रेट्स हैं पछतावे की इसमें काइंड ऑफ बुक है। तारीखें बर्मा की। इनायतनामा ए इलाही तो ये बुक्स ऑफ गॉड गिफ्ट्स हैं। मसीर सादत गुड डीड्स ऑफ सईद तो सईद की जो अच्छे काम हैं उनको इस बारे में वो किया गया है। लुबातुल तारीख और फतवाए दीनदारी उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कबीर 15वीं सदी में शताब्दी में थे और ये सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी थे और ये बनारस में रहा करते थे और भक्ति मूवमेंट में ये बहुत ही मेन फिगर थे एक इम्पोर्टेंट फिगर थे। और उनके जो वर्क हैं उन्हें कंपाइल किया गया है और उन्हें आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है ना। तो आदि ग्रंथ पंचवाणी सर्वांगी बीजा ग्रंथावली तो इन्हें काइंड ऑफ इन नामों से कंपाइल्ड किया गया। हिज वर्क्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ दोहास तो इनके जो वर्क्स हैं वो दोहास के फॉर्म में। कबीर बेवर थे माने जुलाहे थे और उनका मानना था कि गॉड एक है गॉड एक है। कबीर वाज मोर क्रिटिकल ऑफ द जमींदारी सिस्टम तो कबीर जमींदारी सिस्टम के खिलाफ थे। वो निर्गुण संत सेंट थे वो काइंड ऑफ ईश्वर को गॉड को जो फिजिकल एट्रीब्यूट में नहीं देखते हैं उसको काइंड ऑफ निराकार मानते हैं कि गॉड हैज नो फॉर्म ना अब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर रहे हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो दोहास के माध्यम से लिखी गई हैं और ये सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं सोशल इक्वलिटी की करते हैं गॉड इज वन तो भगवान एक है उसकी भी बात ये करते हैं। कबीर कॉन्स्टेंटली चैलेंज द आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड वॉज अ वेरी मच सेकुलर। तो कबीर ने लगातार जो ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणों का जो काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस था उसको चैलेंज करते रहे और वो एक सेकुलर
व्यक्ति थे। ही रिजेक्टेड द फोर स्टेजेज ऑफ लाइफ, वो जो जो आश्रमा का जो कॉन्सेप्ट था मनुस्मृति में आता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलासफी है उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, जिसमें अन्याय फिलासफी, बहुत सारी जो फिलासफियाँ आती हैं सिक्स फिलासफी, उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं मीमांसा। चलिए पंडिता रामाबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? सरस्वती, शारदा सदन, मुक्ति मिशन से भी एसोसिएटेड रही हैं, फर्स्ट फीमेल एग्जामिन फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट फीमेल फेमिनिस्ट हैं भारत की, और इनको है ना लेटर पीरियड, लेटर अपने लाइफ के लेटर भाग में इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में काइंड ऑफ कन्वर्ट कर लिया, तो आगे पढ़ेंगे। चलिए पंडिता रामाबाई सरस्वती, ये बॉर्न एज रामाबाई डोंगरे, तो रामाबाई डोंगरे के नाम से सबसे पहले इनका जन्म हुआ। वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन एक्टिविस्ट, अ पायोनियर इन एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड अ सोशल रिफॉर्मर, तो वो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, वो एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, वो एजुकेशन को एजुकेशन की बात करती हैं, वुमेन एजुकेशन की बात करती हैं, और है ना वुमेन एजुकेशन और जो महिलाओं की मुक्ति है उसमें वो अग्रदूत थी उसकी, और एक सोशल रिफॉर्मर तो थी। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल्स ऑफ पंडिता, तो ये काइंड ऑफ एक संस्कृत स्कॉलर के काइंड ऑफ टाइटल से, पंडिता, पंडिता माने संस्कृत स्कॉलर जो होता है उसको पंडित कहा जाता है, और औरतों को पंडिता, वो ये फर्स्ट वुमेन है जिनको ऐसा अवार्ड दिया गया था। एंड सरस्वती आफ्टर बींग बाई फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1878, तो उन्हें सरस्वती भी के टाइटल से भी अवार्ड किया गया था। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी 1878 में, तो वहाँ की वो एक फैकल्टी थी, मतलब वहाँ पढ़ाया करती थी। सेज आल्सो नोन एज फर्स्ट फीमेल फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, तो वो भारत की पहली महिला फेमिनिस्ट है। इन 1882 सी फाउंडेड द आर्य महिला समाज इन पुणे, तो 1882 में वो आर्य महिला समाज नामक संस्थान की स्थापना करती हैं, कहाँ? पुणे में, ए सोसाइटी ऑफ हाई कास्ट हिंदू वुमेन वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो आर्य महिला समाज क्या था? ये एक सोसाइटी थी हाई कास्ट हिंदू वुमेन की, जो कि गर्ल्स एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के जो खिलाफ है उससे, मतलब चाइल्ड मैरिज की खिलाफत करती थी ये, और संगठन। सी आल्सो टेस्टिफाइड बिफोर द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया एंड इंक्वायरी सेटअप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जो हंटर कमीशन था वो उसके पास भी मतलब काइंड ऑफ अपने आप को प्रेजेंट किया, और जो एजुकेशन के बारे में, जो वुमेन एजुकेशन है उसके बारे में अपने विचार रखे। रमाबाई ट्रेवल टू ब्रिटेन इन 1883, तो 1883 में वो ब्रिटेन गई। क्यों? तो सीख ब्रिटिश सपोर्ट फॉर हर विडोज होम, तो वो काइंड ऑफ एक विधवा सदन बनाना चाहती थी, विधवाओं के लिए एक काइंड ऑफ घर बनाना चाहती थी, तो उसके सपोर्ट के लिए वो 1883 में ब्रिटेन गई थी। इन इंग्लैंड ऑन 25 दिसंबर 1883 रामाबाई कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड बिगेन सिंगिंग हर नेम एज मैरी रामा, हर डॉटर मनोरमा वाज आल्सो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, 25 सितंबर 1883 को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उनका क्या नाम पड़ा उस समय? मैरी रामा। साथ ही उनकी जो पुत्री थी मनोरमा वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती। इन 1886 सी ट्रेवल टू यूएसए टू अटेंड द ग्रेजुएशन फ्रॉम द वुमेन्स मेडिकल कॉलेज इन फिलाडेल्फिया ऑफ अनंताबाई जोसे, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर, तो काइंड ऑफ जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी आनंदीबाई जोशी, जो कि पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर थी, उनके काइंड ऑफ ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वो
यूएसए जाती हैं कब, 1886 में। इन द लेट 1890s सी फाउंडेड मुक्ति मिशन एट खेड़गांव विलेज। तो खेड़गांव विलेज में वो ना 1890 के दशक में मुक्ति मिशन को इस्टेब्लिश करती हैं, और दिस मिशन वॉज लेटर नेम्ड पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन। तो बाद में इसका नाम बदलकर पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन कर दिया गया था। इन 1889 सी ओपेंड हर शारदा सदन और होम फॉर लर्निंग इन चौपट्टी मुंबई। तो 1889 में शारदा सदन की स्थापना करती हैं, कहाँ, चौपट्टी, एक लोकल नेम है मुंबई में। तो ये काइंड ऑफ होम फॉर लर्निंग था, जहाँ पर लोगों को सिखाया जाता था, स्पेशली महिलाओं को। इनके जो मेन वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। तो स्त्री धर्म ये 1882 में ये लिखती हैं पंडिता रामाबाई। क्राई ऑफ इंडियन वुमेन 1883 में। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में। और पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1889 में। तो ये उनके कुछ फर्क्स हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो रत्नागिरी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है, और उन्हें लोकमान टाइटल से नवाजा गया था। और जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज थी उन्हें क्या बोलती थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो भारत के जो अनरेस्ट हो रहा है भारत में, उसके ही फादर, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। महात्मा गांधी उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से काइंड ऑफ कहते हैं कि वो मॉडर्न इंडिया के मेकर हैं। इन 1881 ही फाउंडेड टू न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी, जो कि मराठी में था, और महारत्ता, ये इंग्लिश में। तो दो न्यूज़पेपर 1881 में वो फाउंड करते हैं। एक का नाम केसरी था, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, और महारत्ता इंग्लिश में। 1884 में बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने दो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में ऑर्गेनाइज किया, जिसके माध्यम से वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना यूथ के बीच में, उसको काइंड ऑफ ज़्यादा पॉपुलराइज कर सके। तो गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल आयोजित करते हैं, जिसके माध्यम से नेशनलिस्ट मूवमेंट को, जो युवा हैं उनके बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। इन 1914 ही फाउंडेड एंड सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग। तो 1914 में वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, और वो उसको काइंड ऑफ उसके प्रेसिडेंट भी रहते हैं। इन 1916 ही कंक्लूडेड लखनऊ पैक्ट विथ मोहम्मद अली जिन्ना, विच प्रोवाइडेड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। 1916 में तिलक ने लखनऊ पैक्ट को काइंड ऑफ कंक्लूड किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके, और ये काइंड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये नोट करता है नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। अकॉर्डिंग टू तिलक, स्वदेशी बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो तिलक के अनुसार स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस, ये प्रोटेस्ट के टूल हैं। तिलक वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल। तो जो तिलक थे वो काइंड ऑफ पहले ना और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट थे स्वराज के, सेल्फ रूल के ना। तो पायोनियर थे वो, पहले तो नहीं थे, लेकिन जो लोगों का नाम आता है प्रथम, मतलब सबसे पहले जिन्होंने इस चीज़ की वकालत की, तो उनमें वो काइंड ऑफ महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और उन्होंने एक स्ट्रांग रेडिकल इन ह्यूमन हम तो एक स्ट्रांग रेडिकल इंडियन कॉन्शियसनेस की बात की है, कि जो भारत में, भारत के लोगों की जो चेतना है उसको काइंड ऑफ रेडिकली चेंज होना पड़ेगा।
ही इज नोन फॉर हिज कोट इन मराठी, तो मराठी में उन्होंने कोट दिया था क्या, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उनके मेन वर्क देख लेते हैं, तो ओरियन जो कि 1893 में लिखा गया, द आर्कटिक होम इन वेदास 1903 में, गीता रहस्य 1915 में, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिषा 1925 में, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ एथिक्स एंड रिलीजन 1965। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कीवर्ड्स देख लेते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो लाल बाल पाल ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ए काइंड ऑफ जो पेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट का जो मॉडरेट्स का मेथड था वो उसे नकारते हैं, ए काइंड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। बायकॉट है ना, एक टूल था जिसके माध्यम से और जो विदेशी है ना फॉरेन गुड्स हैं उनको उनका बायकॉट किया जाए और स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। स्वराज की ये बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं। हालांकि ये सेल्फ रूल मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने की बात नहीं करते हैं, ये काइंड ऑफ जो आयरलैंड में सिस्टम था कि जो फॉरेन अफेयर और डिफेंस वफेंस का काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी जो रूल होगा वो इफेक्टिव रूल जो देश के अंदर चलेगा वो इंडिजिनियस रूलर्स का होगा। यूथ फेस्टिवल, तो उन्होंने दो गणेश और शिवाजी फेस्टिवल आयोजित किया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो उन्हें भारतीय अनरेस्ट का पिता कहा जाता है। होम रूल लोग की उन्होंने स्थापना की थी और 1917 में, और इन्होंने ये काइंड ऑफ तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर ये चलाया था, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी एसोसिएटेड रहे। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बॉर्न इन एन अपर मिडिल क्लास फैमिली इन बंगाल, ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त, तो ये बंगाल में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ, और जो विवेकानंद जी थे स्वामी जी उनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ देवदत्त था। 1880 में वो केशव चंद सेन के जो नया विधान है उसको ज्वाइन करते हैं और ब्रह्मो समाज के एक मेंबर बन जाते हैं, और जो उनके द्वारा नियो वेदांतिज्म की फिलॉसफी को प्रपोगोट किया गया है ना, नियो वेदांतिज्म की फिलॉसफी को देते हैं। और उसके तीन महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कौन कौन से हैं कि वननेस बिटवीन गॉड एंड मैन एंड द सॉलिडरिटी ऑफ यूनिवर्स, तो जो उसका पहला प्रिंसिपल है वो ईश्वर और व्यक्ति के बीच वननेस की बात करता है, एक रूपता की बात करता है, और इस संसार में इस संसार की काइंड ऑफ सॉलिडरिटी मतलब भाईचारे की बात करता है पूरे यूनिवर्स में। स्टूड फॉर सेल्फलेस एक्शन इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, तो जो सेकंड प्रिंसिपल है वो सेल्फनेस एक्शन की बात करता है, किसके लिए, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए, तो आप है ना स्वार्थ रहित काम करिए, ह्यूमैनिटी की सेवा करिए। और उन्होंने काइंड ऑफ दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया था, और उनका मानना था कि हर व्यक्ति में इंसान रहता है, और अगर हम दरिद्र नारायण की पूजा करते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनका सम्मान देते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये काइंड ऑफ भगवान की पूजा ही हो। उनके जो थर्ड प्रिंसिपल है, प्रपोगेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेशन एंड बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजन्स आर डिफरेंट पाथ टू रीच द गोल ऑफ लिबरेशन, तो जो थर्ड प्रिंसिपल है न्यू वेदांतिज्म का वो यूनिवर्सल टॉलरेशन की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और
उनका मानना है, स्वामी जी का मानना था कि जो अलग अलग रिलीजन है वो काइंड ऑफ डिफरेंट पाथ है जो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का जो गोल है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो काइंड ऑफ वेरियस रिवर्स हैं ना, वेरिया जो बहुत सारे रिलीजन्स हैं वो काइंड ऑफ रिवर्स हैं जिनका अंतिम लक्ष्य क्या है, समुद्र तक पहुँचना और अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। तो न्यू वेदांतिज्म की फिलासफी से स्वामी जी एसोसिएटेड हैं। उन्होंने 1897 में बेल्लूर कलकत्ता में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897। यूथ पे इनका फोकस था। शिकागो स्पीच के लिए बहुत फेमस है, जो कि 1893 में स्वामी जी जाते हैं अमेरिका और वहाँ के लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कह के पुकारते हैं और काइंड ऑफ ग्रैंड उनका वेलकम वहाँ से शुरू हो जाता है। वर्णा शरम ये रिवाइज वर्जन है किसका, वर्णा सिस्टम का। सोल की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर तो थे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। और दरिद्र नारायण वही ना, कि हर व्यक्ति में गॉड है, अगर हम दबे कुचले लोगों को सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो काइंड ऑफ भगवान की ही पूजा आराधना होगी। इन 1893 ही अपियर्ड इन शिकागो एज ए स्पोक मैन ऑफ हिंदुइज्म एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एंड अ न्यूज पेपर अकाउंट डिस्क्राइब हिम एज अ ओरेटर बाई डिवाइन राइट एंड अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट फिगर एट द पार्लियामेंट। तो 1893 में वो शिकागो जाते हैं, जहाँ पर शिकागो जाते हैं है ना, हिंदुइज्म के स्पोक्समैन के रूप में, कहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रही थी वहाँ वो 1893 में जाते हैं हिंदुइज्म के स्पोक्समैन के रूप में, और एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था होता है उसमें उनको क्या कहा जाता है कि एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट, तो काइंड ऑफ डिवाइन राइट से युक्त एक वक्ता हैं और अनडाउटेडली है ना, बिना किसी संदेह के इस पार्लियामेंट में जो है ना वर्ल्ड पार्लियामेंट हो रही थी रिजेंस की, उनमें ग्रेटेस्ट फिगर है, ऐसा वहाँ के मैगजीन ने बोला था स्वामी जी के बारे में। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1897, तो 1897 में जब वो इंडिया रिटर्न हुए, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, एक मोनेस्ट्री बनाई ना बेल्लूर मठ में कलकत्ता के पास, और 12 जनवरी 1994 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि जो स्वामी जी का जन्मदिन होगा उसको नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है और ये विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मेन वर्क क्या क्या है, तो राजयोग 1896 में, कर्मयोग 1896 में आया, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा 1897, ज्ञान योग 1899, माई मास्टर 1901। ये तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।